और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम साय के दौरे को लेकर। और सीएम साय का दौरा जारी है और आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि सुबह 11:30 बजे रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद रायगढ़ के खरसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले में भी सभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण के 7 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ रही हैं। लक्षिका, सीएम साय के दौरे को लेकर क्या जानकारी, क्या शेड्यूल? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ के हर जिले में हर लोकसभा सीट में दौरा जारी है और इसी कड़ी में आज वो 3 जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। रायगढ़ में लगभग राजधानी रायपुर से 11:30 बजे वो रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र के चपले जो गाँव है वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे 12:30 से 1:30 बजे के बीच। इसके बाद 2 से 3 बजे के बीच वो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ ननिहाल है और शिवरी नारायण से प्रभु श्री राम का एक अलग जुड़ाव रहेगा, तो वहां पे जनता को उस पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद वो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र जाएंगे जहां पर जो सिटिंग सांसद है विजय बघेल, उनके पक्ष में वो वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इसी बीच विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री भी लगातार जिलेवार दौरे पर है। अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर झोंकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 7 मई को चुनाव है और कुछ ही दिन चुनाव के लिए बाकी रह गए हैं। ठीक है लक्षिका, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।